जी तैयब हसन साहब जी, जैसा कि आप क्षेत्र में घूमते हो जी, 2024 को लेकर क्या माहौल है, किसके पक्ष में चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है क्षेत्र में? देखिए आज के टाइम में क्षेत्र में तो चुनाव के लिए जब चुनाव आता है तो जो जो भी लोग इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की वो सभी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। जो सब लोग चुनाव की इच्छा रखते हैं वो सब अब अपने हथकंडे क्या करते हैं, आप अपनी किस्मत अजमाने के लिए या जो भी वो सब घूमते हैं, अपने लोगों से संपर्क करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन चुनाव जो लड़ा जाता है जिसके पास चुनाव में टीम है, मजबूत टीम है, जो नीचे जमीन तक जमीन से मिली लगी हुई टीम है, जो सबसे जुड़ी हुई टीम है, जिसके पास अच्छी टीम है, चुनाव उसका है। किसके पास टीम, किसके पास है तो टीम किसके पास है, क्या लगता है आपको? देखो हमें यहाँ देख के चले आ रहे हैं कि मरहूम सांसद मुनव्वर हसन कराने की शख्सियत, वो सखी आदमी जिसकी सखियत से यहाँ पूरा इलाका पूरी दुनिया जान रही है मुनव्वर हसन। अगर टीम किसी ने बनाई, चुनाव लड़ना किसी ने सिखाया तो वो मुनव्वर हसन थे। आज भी मुनव्वर हसन की टीम है, मुनव्वर हसन के परिवार की टीम है, चुनाव लड़ाने की जो काबिल टीम है। चलो भले ही चुनाव में हार जीत अलग है, हार जीत हो सकती है किसी की भी, लेकिन टीम मुनव्वर हसन के नाहिद हसन पर टीम है, इकरा हसन पर टीम है। वे लोग जो क्षेत्र में घूमते हैं पहले उनकी टीम घूमती है, फिर वे जाते हैं, सबसे मिलते हैं, ये चुनाव का तरीका होता है। वह चुनाव लड़ने का तरीका उनका बाप सिखा करगा। राजनीति का कीड़ा था मुनव्वर हसन। मुनव्वर हसन ने लोगों ने देखा है, जब मुनव्वर हसन इस दुनिया से गए वो भी रिकॉर्ड कायम है कि कैराने में चा तक का खोखा तक नहीं खुला। मुनव्वर हसन का वो शौक था, आज तक किसी के मरने पर इतना आदमी नहीं आया किसी के तनाजे पे। जो हजूम मुनव्वर हसन के मरने पर यहाँ कैराने में देखा गया, उसकी मोहब्बत थी वह मुनव्वर हसन की, वही मोहब्बत के उस पर उसका बेटा नाहिद हसन, उसकी बेटी इकरा, इतिहास गवाह है। मुनव्वर हसन जो विरासत में जो चीज अपने बेटे अपनी बेटी अपनी वाइफ से देखेगा, उन्हें वो संभाल रखी, आखिर दे अपनी अपने बाप की दी हुई विरासत खूब अच्छे से संभाल रखी। उसका बेटा विधायक नाहिद हसन 3 बार का विधायक रहा, उसकी वाइफ तबस्सुम हसन 2 बार सांसद बनी, और इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ ये कई चीजें हैं जिसने आज इससे पूरा इलाका पूरी जनता का लगाव है। जब भी कहीं किसी भी जगह ये लोग अपने परिवार के लोगों से आवाज लगाते हैं कि परिवार के लोग, ये परिवार है क्षेत्र सभी का, बुलाते हैं तो परिवार के लोग दौड़े चले आते हैं, खुशी खुशी चले आते हैं, पूछते हैं कि बताओ हमें क्या करना है, अपना काम काज अपना सब कुछ छोड़ कर सीधे चले आते हैं और बोलते हैं विधायक जी बताओ हमारे लिए क्या काम है, हम आपके काम करने के लिए कोई भी काम हो तैयार है। तो अब ये टीम है मरहूम सांसद मुनव्वर हसन की टीम, नाहिद विधायक की टीम, इकरा हसन की टीम, टीम के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है। तो 2024 में क्या करोगे आप? 2024 में सब टिकट मांग रहे हैं पपड़ा, सबने अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन यहाँ चुनाव वही जीतता है जो खेत पे हर टाइम घूमता है अपने। इकरा हसन हर दुख दर्द में रह रही लोगों के जाकर, हर खुशी में जा रही है, सबके पास जाती है, अपने बाप के बताए हुए रास्ते पर, अपने बाप के
दोस्तों से, उसके अपने परिवार से जैसे उसका बाप मिलता था, वैसे ही उसकी बेटी रूबरू हुई, अपने बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त कर ली। इकरा हसन, इकरा हसन, देखते जाओ लोगों, ये पार्टी की प्रचार स्टारक बन चुकी है, समाजवादी की प्रचार स्टारक इकरा हसन ऐसे ही नहीं है। देखते रहे लोग, देखते रहेंगे, जब ये बेटी, ये बच्ची सांसद बनके पार्लियामेंट में जाएगी तो तब देखना इसका जलवायु अपने लोगों के लिए क्या काम आ गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।